चौक से। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसे मैंने अपने पर्सनल पैसे से खरीदा है और ये प्रोडक्ट मुझे काफी यूजफुल लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और अपना रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपके भी ग्रे हेयर्स हैं और आप भी मेरे जैसे हर महीना रूट टचअप नहीं करते हैं तो ये प्रोडक्ट होने वाला है आपके लिए बहुत ही यूजफुल। चलिए तो शुरू करते हैं, तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये प्रोडक्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक लगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कम एज में हमें प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे ग्रे हेयर्स आते हैं और उसे कवर अप करने के लिए हम कलर करते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे हेयर्स नॉर्मल होते हैं लेकिन हमें कलर करना पसंद है और इसीलिए हम कलर करते हैं, और रेगुलर कलर करने की वजह से कई बार हेयर ग्रे हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस हेयर ग्रे हो जाते हैं। अब रीजन कुछ भी हो, और ऐसे में अगर आपको घर से बाहर जाना पड़े इमरजेंसी में, या फिर किसी पार्टी में, ओकेशन में या फंक्शन में, और अगर आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप पार्लर जा सकें या घर पे टचअप कर सकें, क्योंकि अगर आप घर पे भी टचअप करना चाहते हैं तो आपको कलर करना होगा, 45 मिनट्स वेट करना होगा, फिर उसे वॉश करना होगा और फिर उसके बाद उसे ड्राई करना होगा। और अगर ये सब तामझाम आपको नहीं करना है तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ये है लॉरियल पैरिस का इंस्टेंट रूट कंसीलर स्प्रे। ये इस तरीके के टर्किश कलर के पैकिंग में आता है। ये 75 ml का प्रोडक्ट है। इसकी MRP है 299 रुपीस, बट ये मुझे मिला 269 रुपीस में। ये आपको नायका में भी मिल जाएगा या फिर आप अपने नियर बाय किसी भी ब्यूटी सेंटर से परचेस कर सकते हैं। इसके दो शेड्स आते हैं, डार्क ब्राउन और ब्लैक। लेकिन अगर आप Amazon से परचेस करेंगे तो आपको इसमें और भी बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप अपने हेयर कलर के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए तो इस प्रोडक्ट को यूज करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे क्राउन एरिया में काफी ग्रे हेयर्स हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन था, पार्लर्स भी बंद थे और अर्बन क्लैप की सर्विस भी स्टार्ट नहीं थी, और मुझे ये प्रोडक्ट भी आपको लाइव डेमो करके दिखाना था, इसलिए कई महीनों से मैंने कोई टचअप नहीं किया। आप इस प्रोडक्ट को ड्राई हेयर या फिर स्टाइल्ड हेयर पे ही स्प्रे करें, यानी कि ऑयली हेयर या गीले बालों पर यूज ना करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही स्लीक, थिन और ट्रैवल फ्रेंडली टिन का बॉटल है। इसे आप इजीली अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। अब जैसे कि कंपनी क्लेम करती है, आप इसे 25 टाइम्स यूज कर सकते हैं, यानी कि 25 टाइम्स आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। यूज करने से पहले आप बॉटल को शेक कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक स्प्रे नोजल है जो बहुत ही थिन और नैरो है, जिसके वजह से प्रोडक्ट इधर उधर फैलता नहीं है। चलिए तो अब हम इसे यूज करते हैं। आप इसे अपने हेयर एंड स्कैल्प से 10 सेंटीमीटर दूर रखकर स्प्रे करें। आप प्रोडक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रे करें। आप इसे ओवर स्प्रे ना करें। इसी तरह मैंने सेक्शन वाइज बालों को कर लिया है और इसे स्प्रे कर लिया है। इसका स्प्रे गैस फॉर्म में होता है। अगर आपने ड्राई शैम्पू यूज किया है तो आपको पता होगा, आप इसे 1 मिनट तक ड्राई होने दें, फिर ही आप बालों को टच करें। ये एक टेम्पररी ग्रे कवरेज देता है विद इन अ सेकेंड्स, और ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे मेरे ग्रे हेयर्स कवर हो गए हैं। इनफैक्ट मेरा स्कैल्प भी काफी डेंस लग रहा है। इसी प्रकार मैंने पूरे बालों में स्प्रे कर लिया है। आप चाहें तो किसी और को भी बोल के स्प्रे करवा सकते हैं ताकि एक भी ग्रे हेयर ना बचे। डेमो करते करते मेरे हाथ थोड़े से स्ट्रेन हो गए, पर डोंट वरी, आप इसे नॉर्मल हैंड वॉश से वॉश करेंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट मेरे सारे ग्रे हेयर कवर हो चुके हैं। मैं आपको पार्टीशन करके दिखाती हूँ बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट। ये प्रोडक्ट लास्ट करेगा जब तक आप नेक्स्ट हेयर वॉश ना कर लें। थोड़ी देर बाद मैंने हाथों से स्कैल्प को टच करके देखा, बिल्कुल भी स्ट्रेन मेरे हाथों में अब नहीं था। रीटेस्ट करने के लिए मैंने कोम भी किया, ये देखने के लिए कि कोम में कोई स्ट्रेन रहता है कि नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने टिश्यू पेपर से भी कोम को क्लीन करके देखा, कोई भी स्ट्रेन नहीं था।
वीडियो में तो आपने देख लिया है कि ये प्रोडक्ट सच में एक मैजिक रीटच है। इस प्रोडक्ट से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ और डेफिनेटली इसे मैं दोबारा परचेस करूँगी। और एक अच्छी बात इस प्रोडक्ट की ये है कि ये अमोनिया फ्री है, स्मज प्रूफ है और इजी टू यूज़ है, साथ ही ये वर्थ फॉर मनी है। सो गो अहेड एंड बाय दिस। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हैं, जहाँ हमारे चैनल मैन वोमेन एंड डॉग्स से रिलेटेड बहुत सारे अप टू डेट हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो करिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज़ द